हाय फ्रेंड, मैं नंदलाल मौर्य आपकी यूट्यूब मैथ अशोक वाटिका में स्वागत करते हैं। हम लोग आज देखेंगे सियालदह डिवीजन पूर्व रेलवे का क्वेश्चन पेपर। ये क्वेश्चन है गुड्स गार्ड क्वेश्चन, गुड्स गार्ड का क्वेश्चन पेपर था। इसमें टोटल 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, टोटल 110 क्वेश्चन है, निगेटिव मार्क है, 1/3 अंक काटे जाएंगे। समय 2 घंटे का था, 24/12/2022 को क्वेश्चन पूछा गया था। अभी रिसेंटली में ही क्वेश्चन पूछे गए थे और देखते हैं क्या क्वेश्चन पूछा गया था। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा रजिस्टर नियंत्रण कार्यालय में रखा जाता है? तो ये रखा जाता है स्टॉक रिपोर्ट रजिस्टर होता है, उसमें रखा जाता है स्टॉक रिपोर्ट रजिस्टर। ऑप्शन नंबर आपका भी सही है। निम्नलिखित में से कौन सा रजिस्टर नियंत्रण कार्यालय में रखा जाता है? तो स्टॉक रिपोर्ट रजिस्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछा गया था सी क्लास ओडीसी का स्वीकृत प्राधिकारी कौन होता है? तो सीआरएस होता है। ऑप्शन नंबर सी सही है, सभी को पता है, कई बार क्वेश्चन पूछे गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुरक्षा वर्गीकरण निम्न के कार्य प्रदर्शन पर आधारित होता है? सेफ्टी कैटेगराइजेशन विल बी वेस्ट ऑन द योर परफॉर्मेंस ऑफ 3 मंथ। ऑप्शन नंबर आपका बी सही है। सुरक्षा वर्गीकरण निम्न के कार्य प्रदर्शन पर आधारित होता है, तो पिछले 3 महीने से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रुप डी के कर्मचारियों का सुरक्षा वर्गीकरण किसके द्वारा किया जाएगा? तो सुरक्षा ये आपको स्टेशन मास्टर के द्वारा किया जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही है। ग्रुप डी एम्प्लॉय विल बी द प्रोटेक्ट बाई रोमैन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डी श्रेणी के रूप में वर्गीकृत कर्मचारी पर नजर रखी जाएगी, तो मंथली बेसिक। ऑप्शन नंबर ए सही है। 5 नंबर का क्वेश्चन था, कह रहा है डी कैटेगरी, ग्रुप डी कैटेगरी एम्प्लॉय विल बी द मेंटेन मॉनिटर, तो मंथली बेसिक। ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गाड़ी की सुरक्षा सुनिश्चित करने, परिचालन क्षमता प्रदान करने और ग्राहकों की सुविधा को अधिकतम बनाने के लिए ट्रेन में वाहनों को पूर्व निर्धारित तरीके से जोड़ना है, तो किसके द्वारा जोड़ा जाता है? मार्शलिंग किया जाता है। ऑप्शन नंबर आपका बी सही है। गाड़ी की सुरक्षा सुनिश्चित करने, परिचालन क्षमता प्रदान करने और ग्राहकों की सुविधाओं को अधिकतम का करने के लिए ट्रेन में वाहनों को पूर्व निर्धारित तरीके से जोड़ना है, मार्शलिंग के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 7 नंबर का क्वेश्चन है, मेल एक्सप्रेस पैसेंजर ट्रेन में कितने डेड लोकोमोटिव जोड़े जा सकते हैं? तो एक ही जोड़े जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही है। हाउ मेनी डेड लोकोमोटिव कैन बी अटैच्ड टू मेल एक्सप्रेस पैसेंजर ट्रेन? 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोगी प्रथम श्रेणी के लिए वाहन कोड होता है? तो ये आपका होता है F होता है, फर्स्ट जिसको बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, RORO योजना सबसे पहले शुरू की गई थी, तो कहाँ पर शुरू किया गया था? 9 नंबर का क्वेश्चन है, कोंकण रेलवे में। ऑप्शन नंबर डी सही है। RORO योजना सबसे पहले शुरू की गई थी तो कोंकण रेलवे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोगी प्रथम श्रेणी एयर कंडीशन के लिए वाहन कोड होता है? तो फर्स्ट AC क्लास होता है। ए ऑप्शन सही है, FAC। ऑप्शन नंबर ए सही है। क्वेश्चन है, बोगी प्रथम श्रेणी एयर कंडीशन के लिए वाहन कोड होता है? फर्स्ट AC, FAC होता है। द व्हीकल कोड फॉर बोगी फर्स्ट क्लास इन कंडीशन इज FAC। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाइन की अधिकतम स्वीकार्य गति से चल रही ट्रेन को रोकने के लिए आवश्यक दूरी है मंदी की AC दर की यात्रियों को असुविधा या घबराहट ना हो? तो सर्विस ब्रेकिंग दूरी होता है। ऑप्शन नंबर ए सही है। क्वेश्चन था,
इज द डिस्टेंस रिक्वायर्ड टू स्टॉप ए ट्रेन ड्यूरिंग एट द मिनिमम परमिसिव स्पीड ऑफ द लाइन सच रेट ऑफ डिसलरेशन द पैसेंजर डू नॉट सफर डिसकम्फर्ट आर अलार्म। तो सर्विस ब्रेकिंग डिस्टेंस ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रेन ब्रेकिंग डिस्टेंस का कार्य है, 12 नंबर का क्वेश्चन है। ट्रेन ब्रेकिंग डिस्टेंस का कार्य है, ब्रेक लगने पर ट्रेन की गति, पहिया और रेल के बीच उपलब्ध घर्षण को पूर्ण ब्रेक लगाने के साथ उपलब्ध मंदता दर को प्रभावित करना, ब्रेक लगाने पर ट्रेन ढाल और ट्रैक की बड़े पैमाने पर वितरण। तो ए और बी सी तीनों सही है, ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यनाई काम करने के दौरान गुमटी के प्रभारी या स्टेशन मास्टर के प्रभारी, गार्ड और SWM जिम्मेदार होंगे। स्टेशन मैनेजर हो सकता है, SWM क्या है नहीं मालूम है। 13 नंबर का आपका डी सही है, उपयुक्त सभी हो गए। इसमें क्या है, वाहरतम सामना करने वाले बिंदुओं पर PHS का आदान प्रदान करना, दूसरा बिंदुओं की सही सेटिंग क्लैंपिंग और पैड लॉकिंग होना चाहिए, प्रत्येक ट्रेन के लिए स्टेशन मास्टर के साथ PN का आदान प्रदान होना चाहिए। तो ये सभी सही हैं, ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चौदह नंबर, यदि यात्री गश्ती दल निर्धारित आगमन समय से 15 मिनट बाद भी नहीं आता है तो स्टेशन मास्टर सभी ट्रेनों को रोक देगा और गति को सीमित करते हुए सतर्कता आदेश जारी करेगा। तो ये होगा 40 KMPH, ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लास ए पोल उत्पाद जब ले जाया जाता है तो इलेक्ट्रिक लोको और ब्रेक वैन या पैसेंजर कैरिंग से सपोर्ट वैगन के रूप में दिए गए वैगनों की न्यूनतम संख्या होती है। 15 नंबर का क्वेश्चन है, क्लास ए पोल उत्पाद जब ले जाया जाता है तो इलेक्ट्रिक लोको और ब्रेक वैन या पैसेंजर कैरिंग से सपोर्ट वैगन के रूप में दिए गए वैगनों की न्यूनतम संख्या होती है। तो एक और तीन होती है, एक से तीन तक होती है, ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच्छेदन के समय से पुनः संयोजित तक गाड़ियों को प्रवेश दिया जाएगा, क्या है, फ्रॉम द टाइम ऑफ डिसकनेक्शन टिल रिकनेक्शन टेन सेल बी द अलाउ। 16 नंबर का क्वेश्चन है, सी ऑप्शन सही है, पायलटिंग होगा, ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लास सी स्टेशन पर लाइन क्लियर तब तक नहीं दिया जाएगा जब तक कि पिछली पूरी ट्रेन होम सिग्नल से कम 400 मीटर आगे न निकल गई हो और अपनी यात्रा जारी रखते हुए एडवांस ब्लॉक सेक्शन को भी क्लियर करता है, होम सिग्नल लेने की शर्त भी पूरी करे, उपयुक्त सभी। कौन सा सही है, 17 नंबर के ए सही है, अपनी यात्री जारी रखते हुए, ऑप्शन नंबर ए सही है। क्लास सी स्टेशन पर लाइन क्लियर तब तक नहीं दिया जाएगा जब तक कि पिछली पूरी ट्रेन होम सिग्नल से कम 400 मीटर आगे न निकल गई हो और अपनी यात्रा जारी रखती हुई, ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब डबल लाइन स्वचालित ब्लॉक सिस्टम पर सिग्नल और संचार विफल हो जाता है तो लोको पायलट को दिया गया अधिकार पत्र होता है, 18 नंबर का सही डी सही है, TB 912, ऑप्शन नंबर डी सही है।
जब डबल लाइन स्वचालित ब्लॉक सिस्टम पर सिग्नल और संचार विफल हो जाता है तो लोको पायलट को दिया गया अधिकार पत्र 3B912। ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाइन की पेट्रोलिंग का अर्थ गिरोह के मुख्य व्यक्ति द्वारा किए गए दैनिक निरीक्षण के अतिरिक्त है। 19 नंबर का क्वेश्चन है। क्या दिया है? उन्नीस नंबर का क्वेश्चन है, लाइन की पेट्रोल का अर्थ गिरोह के मुख्य व्यक्ति द्वारा दिए गए दैनिक निरीक्षण के अतिरिक्त है। 19 नंबर का बी ऑप्शन सही है। इंस्पेक्शन फॉर द लाइन बाई फुट, ऑप्शन नंबर बी सही है। इंस्पेक्शन ऑफ द लाइन बाई फुट से करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 20 नंबर का क्वेश्चन है, फॉलिंग मार्ग के अंदर साइडिंग से पायलट की पूरी तरह आने पर और ELV नंबर की पुष्टि करने के बाद प्रभारी पायलट स्टेशन मास्टर को सूचित करेगा। तो किससे सूचित करेगा? पायलट मूवमेंट रजिस्टर में, एडोर्समेंट करेगा। ऑप्शन नंबर ए सही है। पायलट मूवमेंट रजिस्टर में एडोर्समेंट करेगा। ऑप्शन नंबर ए सही है। एंडोर्समेंट इन द पायलट मोमेंट रजिस्टर होता है, उसमें साइन करना रहता है जब फाउली मार्क क्लियर हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 21 नंबर का क्वेश्चन है, जब वॉकी टॉकी काम नहीं कर रहा हो तो गार्ड स्टॉपिंग ट्रेन की पूर्ण आगमन का संकेत देगा, जहां BPS AC उपलब्ध नहीं है। जब वॉकी टॉकी काम नहीं कर रहा हो तो गार्ड स्टॉपिंग ट्रेन की पूर्ण आगमन का संकेत देगा, जहां BPAC उपलब्ध नहीं है। 21 नंबर का क्वेश्चन है। बी ऑप्शन सही है। एंटरिंग द पीएन इन द इंटैक्ट रजिस्टर फॉर द ट्रेन, ऑफ द ट्रेन, ऑप्शन नंबर आपका बी सही है। ट्रेन के अनुरक्षण रजिस्टर में पीएन लिखना होता है। ऑप्शन नंबर ये उल्टा हो गया है, सी को नीचे चाहिए और इसको ऊपर चाहिए था, यह मतलब बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गाड़ी के DV या SLR जोड़ने से पहले गार्ड करेगा, क्या करेगा? ऑप्शन नंबर बी सही है। तो BV या SLR के हैंड ब्रेक लगाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गाड़ी के BV या SLR छोड़ने से पहले गार्ड करेगा, हैंड ब्रेक बांधेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑपरेटिंग रेशियो इसका एक पैरामीटर है जो राजस्व के अनुपात के रूप में खर्चों की गणना करती है। 23 नंबर का क्वेश्चन, परिचालन क्षमता, ऑप्शन नंबर बी सही है। ऑपरेटिंग रेशियो जिसका एक पैरामीटर है जो राजस्व के अनुपात के रूप में खर्चों की गणना करती है, परिचालन क्षमता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाइट इंजन या कपल इंजन होंगे रियर में, क्या होना चाहिए? 24 नंबर का आपका सी सही है, लाल मार्कर रोशनी होना चाहिए, ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यात्री ले जाने वाली गाड़ियों पर शंटिंग करते समय शंटिंग इंजन फॉर्मेशन पर आने से पहले कितनी दूरी पर रुकना चाहिए? तो 20 मीटर की दूरी पर रखना चाहिए, ऑप्शन नंबर बी सही है।
लाइट इंजन या कपल इंजन होते हैं, लाल मार्कर रोशनी। नेक्स्ट कुछ नहीं हो गया। विस्फोटक से भरे वैगनों की सेंटिंग करते समय पर्यवेक्षण किसके द्वारा किया जाएगा? 26 नंबर का क्वेश्चन था। स्टेशन मास्टर द्वारा किया जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही है। जब किसी ट्रेन का लोको पायलट ट्रेन पर किसी असामान्य स्थिति का अनुभव करता है तो आईबीएस या स्वचालित ब्लॉक क्षेत्रों के मामले में ट्रेनों की आवाजाही बंद कर देगा और सूचित करेगा किसको? स्टेशन मास्टर या निम्नलिखित ट्रेनों के लोको पायलट को या ए बी दोनों को? तो ऑप्शन नंबर आपका आपका सी सही है, ए और बी दोनों को सूचित करेगा। स्टेशन मास्टर को भी सूचित करेगा और निम्नलिखित ट्रेनों के लोको पायलट को, मतलब आने जाने वाली लोको पायलट को भी सूचित करेगा। तो ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परिशिष्ट जी विद्युतकृत अनुभाग के लिए नियम द्वारा हस्ताक्षरित तो होना चाहिए। तो यहाँ देखेंगे क्या क्या है, ये मिस्टेक है थोड़ा हिंदी वाला। तो कौन होता? ऑप्शन नंबर सी सही है, DOM और DST और DEE होता है। ऑप्शन नंबर सी सही है, DOM, DST और DEE रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी बाधित लाइन पर गाड़ी प्राप्त करने का अधिकार लिखित अधिकार पत्र होता है। 29 नंबर का क्वेश्चन है, RT 509 होता है। ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंजन सीटी कोड दो छोटी एक लंबी इंगित करता है तो अलार्म चैन पुलिंग के लिए है। तीस नंबर का क्वेश्चन है, ए और बी दोनों हैं। इंजन में अपर्याप्त वायु का दबाव अलार्म श्रृंखला खींची गई है। ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों सही है, इंजन में प्रेशर ड्रॉप हुआ होगा या तो चैन पुलिंग किया होगा, दोनों में से कोई एक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी भी फॉलिंग मार्ग को साफ किए बिना ट्रेन रुकी तो फॉलिंग लाइन पर किसी भी तरह की आवाजाही को रोकने के लिए गार्ड तुरंत स्टेशन मास्टर को सूचित करेगा। तो ये किस माध्यम से सूचित करेगा? 31 नंबर का क्वेश्चन है, पीएन का आदान प्रदान करके। ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नहीं ये नहीं होगा। स्टाम्प हैंड सिग्नल प्रदर्शित करेगा, स्टाम्प हैंड सिग्नल प्रदर्शित करेगा। ऑप्शन नंबर डी सही है। एग्जीबिटिंग स्टाम्प हैंड सिग्नल, ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी माल द्वारा रियर ब्रेक वैन के पिछले भाग में संलग्न बोगियां या उसके समतुल्य की अधिकतम संख्या ट्रेन होती है। 32 नंबर का क्वेश्चन, भी दो होनी चाहिए, ब्रेक यान के पीछे दो रैक लगा सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अग्निशामन यंत्रों का आवधिक प्रतिस्थापन एक बार में किया जाएगा। 33 नंबर का सी ऑप्शन सही है, 12 महीने में एक बार चेक किया जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शंटिंग के उद्देश्य से विशेष रूप से लगाए गए इंजन के दोनों किनारों पर मार्कर लाइट रंग होता है। शंटिंग के उद्देश्य से विशेष रूप से लगाए गए इंजन के दोनों किनारों पर मार्कर लाइट का रंग होना चाहिए। 34 नंबर का बी ऑप्शन सही है, लाल रहना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीएससी स्लीपरों में 8% मतदान में 52 से 60 किलो रेल के घुमावदार स्विच पर ट्रेन की
गति आराम है। 35 नंबर का क्वेश्चन था, सी ऑप्शन सही है। 15 KMPH, यहाँ पर SWR के अनुसार ये यहाँ पर दिया गया है, इसको आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीटी कोड जो लोको पायलट द्वारा दिया जाता है जब स्टेशन मास्टर स्टेशन कर्मचारी ऑल राइट सिग्नल का आदान प्रदान नहीं करता है, तो कौन सा सीटी कोड दिया जाएगा? 36 नंबर का ये दो छोटी सीटी, ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उचित अधिकार के साथ आन पर सिग्नल पास करते समय सीटी कोड कौन सा होता है? एक छोटी लंबी छोटी सीटी होगा, ऑप्शन नंबर ए सही है। क्या है? उचित अधिकार पथ के साथ आन में सिग्नल पास करते समय सीटी कोड होता है जो छोटी लंबी छोटी सीटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लॉक नियमों के उल्लंघन का एक उदाहरण है, 38 नंबर का क्वेश्चन है, डी ऑप्शन सही है। उपर्युक्त सभी क्या क्या है? ट्रेन गलत लाइन में प्रवेश कर गई है, ट्रेन ATP के बिना अथॉरिटी टू प्रोसीड के बिना पार कर गई है, और तीसरा है इंटर द ट्रेन साइडिंग में चली गई है, ट्रेन साइडिंग में प्रवेश कर गई है, तो उपर्युक्त सभी होगी, ब्लॉक नियमों का उल्लंघन में आ जाएगा। ट्रेन गलत लाइन में प्रवेश कर गई है, ट्रेन बिना PN का प्रवेश कर गई है, और ट्रेन साइडिंग में प्रवेश कर गई है, तो ये ब्लॉक नियमों का उल्लंघन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुर्घटना सायरन आउट स्टेशन पर दुर्घटना मेन लाइन बाधित है और EMRT आवश्यक है, तो कौन सा सीटी सायरन बजाया जाएगा? 39, 39 के सी, चार लंबी एक छोटी सीटी बजाएंगे, ऑप्शन नंबर 39 का सी सही है। दुर्घटना सायरन आउट स्टेशन पर दुर्घटना मेन लाइन बाधित है और ART की आवश्यकता है, तो कौन सी सीटी बजाएंगी? तो 4 Longs 1 Short, ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ARME स्केल 1 में शामिल होता है, मेडिकल वैन होता है, 40 नंबर का सी सही है, और सहायक वैन दोनों शामिल होते हैं, ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉल ऑन सिग्नल या कॉलिंग ऑन सिग्नल का प्रयोग किया जाता है, तो ये किया जाता है जब ऊपर संकेत दोषपूर्ण हो, ए बी दोनों में से कोई ए सकता है, इंटर ए या बी दोनों में से कोई एक हो जाएगा, या तो ए होगा या तो बी होगा, तो मिस्टेक हो गया इसमें। कॉलिंग ऑन सिग्नल विद यूज्ड, तो ये पहला है रिसीव्ड ए ट्रेन ऑन द ऑब्जर्व ऑब्स्ट्रक्शन लाइन, और दूसरा व्हेन द एबव सिग्नल इन द फेल्योर फॉल्ट अगर है तो लिया जाएगा, तो ए और बी दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टॉप सिग्नल के नीचे सेंड सिग्नल ऑन स्थिति में दिखाएगा, तो स्टॉप सिग्नल भी कोई रोशनी नहीं दिखाता है, ऑप्शन नंबर आपका सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्लिप स्लाइडिंग का उद्देश्य सुरक्षा करता है, बी ऑप्शन, ब्लॉक स्टेशन का, ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैश साइडिंग का उद्देश्य सुरक्षा करता है, 44 नंबर का आपका सी सही है, स्टेशन सेक्शन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिन में हरी झंडी और रात में सफेद रोशनी को ऊपर और नीचे जितना संभव हो उतना ऊंचा और नीचा लहराना चाहिए, तो क्या प्रकट करेगा? 45 नंबर का सी सही है, ट्रेन पार्टिंग हो गई, ऑप्शन नंबर सी सही है, ट्रेन पार्टिंग होगा, ट्रेन विदाई लिखा है, ट्रेन पार्टिंग यहाँ होगा।
दिन में हरी झंडी और रात में सफेद रोशनी को ऊपर नीचे, सीधा ऊपर और नीचे, जितना संभव हो उतना ऊपर और नीचे लहराना चाहिए। तो क्या होता है, ट्रेन पार्टिंग हो गया। अगर हरी झंडी दिखाता है तो ट्रेन पार्टिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और रात में सफेद। किसी व्यक्ति के शरीर पर क्षैतिज रूप से एक सफेद प्रकाश को हिंसक रूप से लहराना इंगित करता है। तो ये स्टॉप डेड है, ऑप्शन नंबर आपका डी सही है। यदि किसी व्यक्ति के शरीर पर क्षैतिज रूप से एक सफेद प्रकाश को हिंसक रूप से लहराया इंगित करती है, स्टॉप डेड। नेक्स्ट क्वेश्चन, डेटोनेटर के सफल परीक्षण के बाद एक्सटेंशन की अधिकतम संख्या होती है, 47 नंबर के, 3 साल तक। ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खराब सिग्नल पास करने का अधिक अग्रिम प्राधिकार होता है, T3693B होता है। ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब लोको पायलट डेटोनेटर को छोड़कर किसी अवरोध की चेतावनी का संकेत देखता है तो वह करेगा, 49 नंबर का डी ऑप्शन, तुरंत रोक देगा या बंद कर देगा। ऑप्शन नंबर डी सही है। स्टॉपिंग इमीडिएटली, स्टॉप इमीडिएटली हो जाए, ऑप्शन नंबर डी सही है। क्या है, जब कोई पायलट डेटोनेटर को छोड़कर किसी अवरोध की चेतावनी का संकेत देखता है तो वह गाड़ी को तुरंत खड़ा कर देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोको पायलट और गार्ड को नियमित काम के लिए बुक करने से पहले 3 ELR ट्रिप दिए जाएंगे, जिसमें बीच में एक ट्रिप भी शामिल होता है, 50 नंबर पर डी, 20 बजे से सुबह 6 बजे तक का होता है। ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दी गई भिन्नों में सबसे छोटी भिन्न कौन सा है। सबसे पहले क्या कर लीजिए, 1/2 और 2/3, 3/4 और 1/4 है। इसका नीचे का एलसीएम लेंगे, 2, 3, 4 और 4 का एलसीएम ले लेंगे तो यहाँ हो जाएगा 12। तो नीचे एक बार 12 लिखें, यहाँ भी 12 लिखें, 4 बार 12 12 लिख दें, या एक ही बार लिख सकते हैं, कामा सभी कट जाएंगे। अब 2 का डिवाइड करेंगे 12 से, 2 से डिवाइड करेंगे 12 को, तो 2 6 12 एक में गुणा कट जाएगा। यहाँ पर 3 से 4 3 12, तो 2 × 3 = 4 हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए ये 4 है तो यहाँ 12 है, 4 3 12, तो 3 × 3 हो जाएगा। कहाँ पर है, यह देखिए यहाँ 3 है, फिर उसके बाद में 4 से भाग देंगे, 4 3 12 और एक में गुणा करेंगे, 1 × 4 3 12 3। तो यहाँ देखिए नीचे 12 12 सभी में कॉमन है तो उसको हम हटा सकते हैं, तो यहाँ 6 8 9 और 3। तो कह रहा है सबसे छोटी भिन्न कौन है, तो सबसे छोटी जो भिन्न आपको दिखेगा आपको हो जाएगा 3। तो ऑप्शन नंबर आपका 3 में क्या है, 1/4 है, तो 1/4, ऑप्शन नंबर डी सही है। इस तरह से इसको हम सॉल्व करेंगे, बहुत इजी है इस टाइप में सॉल्व करने का, ऐसे भाग देंगे तो टाइम ज्यादा लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर पूछ रहा है कि दी गई श्रृंखला में सबसे बड़ी भिन्न कौन सा है, तो इसमें भी वैसे ही करेंगे। सबसे पहले क्या करते हैं, क्या है, 3 2/3, 3/5 और 5/7 और अगर 6/7 है। अब कह रहा है इसमें से कौन सी सबसे बड़ी है, तो बड़ी हम निकालेंगे पहले एलसीएम ले लेंगे, तो एलसीएम लेके हैं 3 और 7/35। हम 3 का इसलिए नहीं गुणा कर रहे हैं कि एलसीएम अलग अलग करना ही काटना है, तो इसलिए 3 3 × 35 कर लेंगे, क्योंकि 7 5 35 और 3 और बच रहा है, तो 3 को अलग रख लेंगे। अब हमको क्या करना है, 4 हमें यहाँ से देखेंगे। अब अगर हम 3 से भाग देंगे, 3 से 3 कट जाएगा, देखिए यहाँ से 3, ये 3 और ये 3 डिवाइड करेंगे, इसका मतलब 3 × 35/, हम किससे भाग देंगे, 3 से भाग देंगे, तो 3 से 3 कट गए, आपका बच्चा कितना, 35। 35 को क्या, 2 में गुणा, 35 2 = 70, तो ये पहला हो गया 70। इसी प्रकार 5 से भाग देंगे, इसको 35 को यहाँ से 5 से भाग देंगे,
3 × 35 बटे 5 से भाग, 5 × 7 = 35 और 7 × 3 = 21 और 21 और 63 हो गया। फिर 7 से भाग दें, 7 × 5 = 35, यहाँ पर 5 हो गया, 5 × 3 = 15, 15 × 25 = 75 हो गया। यहाँ से फिर 7 से भाग देंगे तो 15 हो जाए, 15 × 6 = 90। अब यहाँ से ऐसे हम देख सकते हैं सबसे बड़ा कौन सा है, तो 70, 63, 75 और 90, तो सबसे बड़ा 90 है, तो 90 वाली संख्या कौन सबसे बड़ी, आपको 6/7, ऑप्शन नंबर आपका डी सही है। यहाँ थोड़ी मिसिंग है, ए बी सी डी करके उल्टा सीधा लिख उठा है टाइपिंग करने में, ये ए है, ये बी है, ये सी है, डी है, इस तरह से हमको लिख सकते हैं। तो 6/7 बड़ी है, तो इस तरह से इसको सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर देखिएगा, एक शिविर में 120 पुरुष या 200 बच्चे हैं, बच्चों के लिए भोजन है, यदि 115 बच्चों ने भोजन कर लिया है तो शेष भोजन से कितने पुरुषों की पूर्ति होगी। तो सबसे पहले हम कर लेंगे बचे हुए कितने हैं, क्योंकि इतना 150 खा चुके हैं, बच्चे निकल चुके हैं, बचे कितने हैं, सिर्फ बचे हैं 50, तो 50 जो बच्चे हैं उसको बताना है कितने पुरुष में आएंगे 50 बच्चे। तो यहाँ हम पहले लिख लेंगे 12 पुरुष बराबर 120 मेल बराबर हो जाएंगे 200 चिल्ड्रन, सी करके लिख देता हूँ। तो यहाँ 200 सी बराबर 120 मेल मैन हो जाएंगे, तो यहाँ अब एक सी बराबर होता है, चिल्ड्रन बराबर कर लेंगे 120/200, यहाँ से हम 2 जीरो इसको काट देंगे, इसको काट देंगे 4, 4 से कटेगा, 4 × 3 = 12 और 4 × 5 = 20, ये हो जाएगा 3/5। अब हमको एक है, अब बच्चे कितने हैं 50 चिल्ड्रन में, तो 50 चिल्ड्रन बराबर हो जाएगा 3/5 और गुणे 50, 5 से काट देंगे, 5 × 50 हो जाएगा, ये 30 आपका मैन आ जाएगा, तो 30 बच्चे बराबर 50 मैन हो जाएंगे। तो कह रहा है जो बचे हुए बच्चे हैं वो किसके बराबर होंगे, तो 50 बच्चे क्या है 30 मैन के बराबर हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर आपका बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर देखेंगे 36 आदमी एक काम को 18 दिनों में पूरा कर सकते हैं, 27 आदमी इस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो यहाँ MDH वाला मसाला लगाएंगे, M1 D1 और H1, M2 D2 और H2। अब यहाँ पर जो दिया गया उसको सॉल्व करें, यम फॉर मैन हो गया, डी फॉर डे हो गया है, और यच है नहीं तो यच को हमको नहीं लेना है, तो यच को मत लीजिए, काट दीजिए। अब बचा यम की जगह पे 36 लिख देंगे और गुड़े 18, और यहाँ हमको निकालना है डे, मैन दिया है 27 और गुड़े डी टू की वैल्यू निकालना है, तो D बराबर D2 बराबर हो जाएगा 36 × 18/27, 3 × 6 = 18, 3 × 6 = 18 और 3 × 8 = 27, फिर 3 से काट दीजिए, 3 × 2 = 6 और 3 × 3 = 9, 3 से फिर काटेंगे, ये 18 × 36, 3 से काट 3 × 3 = 3, 3 × 2 = 6 = 12 हो गया, तो 12 × 2 हो जाएगा बराबर 24, तो कितना दिन चलेगा, 24 दिन चलेगा, ऑप्शन नंबर आपका बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर देखें एक धारा की गति 2 किलोमीटर प्रति घंटा और शांत जल में नाव की गति 10 किलोमीटर प्रति घंटा है, जो धारा के अनुकूल 60 किलोमीटर की दूरी तय करने में लगने वाला समय ज्ञात कीजिए। तो धारा के अनुकूल बताना है, मतलब जोड़ देना है, तो धारा के अनुकूल गति पहले लिखेंगे, धारा की गति हो जाएगा, तो धारा की गति और शांत जल में नाव की गति दोनों को जोड़ लेंगे, 10 + 2 हो जाएगा बराबर 12 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया। आपका दूरी डिस्टेंस दिया गया है, डी बराबर दे चुका है, 60 किलोमीटर है, समय निकालना है, तो टी बराबर होगा डिस्टेंस अपान स्पीड हो जाएगा, डिस्टेंस 60 है और बटी 12, स्पीड 12, 12 × 5 = 60 हो जाएगा 5, तो 5 घंटे आ गए, तो ऑप्शन नंबर आपका
बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर देखिए, ये 250 मीटर लंबी ट्रेन प्लेटफार्म को 10 सेकंड में पार कर जाती है, ट्रेन की गति ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे, हम जानते हैं स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, तो स्पीड आपका निकालना है, तो डिस्टेंस आपका है 250 और टाइम आपका 10 दिया है, इसको 1 0 0 कट गया, बराबर 25 मीटर पर सेकेंड हो गया। ऑप्शन नंबर आपका ए सही है। 97 नंबर का क्वेश्चन है, 200 मीटर लंबी ट्रेन अपनी लंबाई से दुगनी लंबाई के प्लेटफार्म को 36 सेकेंड में पार कर जाती है, तो किलोमीटर प्रति घंटे में ट्रेन की गति ज्ञात कीजिए। यहाँ पर दिया हुआ है कितना, ट्रेन की लंबाई दिया है 200 मीटर और प्लेटफार्म की जो लंबाई है दुगनी है, इसका मतलब प्लेटफार्म की लंबाई हो जाएगी वो दुगनी होगी, दुगनी मतलब 400 मीटर है, और आपका टाइम समय दिया गया है कितना, 36 सेकंड। तो हम जानते हैं क्या, स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो यहाँ आपका ये इन दोनों को, ट्रेन की लंबाई और प्लेटफार्म की लंबाई को जोड़ लेंगे तो 200 प्लस 400 बटे हो जाएगी आपका 36। यहाँ से इन्होंने 600 600 बटे 36 और गुणे 18/5 का गुणा कर देंगे तो किलोमीटर प्रति घंटे में आ जाएगा। अब इसको 18 दूना 36, 2 हो जाएगा, 2 5 10 और 10 में से 1 0 10 काट देंगे, तो ये हुआ 60 किलोमीटर प्रति घंटे। तो ऑप्शन नंबर आपका ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर देखिए, ए ने 2000 रुपये उधार लिया और 3 साल बाद 10% साधारण ब्याज पर वापस भुगतान किया, तो आदमी द्वारा भुगतान की गई राशि बताना है, तो साधारण ब्याज बराबर मूलधन दर गुणे समय बटे 100 हो जाएगा, बराबर आपका ए बराबर दे, मूलधन दिया है 2000, दर दिया है 10, समय दिया है 3, काट देंगे 2 0 नीचे 2 0 ऊपर काट देंगे, तो और 20 गुणे 10 गुणे 3 बराबर हो जाएगा 600, तो आपका ब्याज आपका आ गया 600 रुपये। अब टोटल रुपये देगा कितना, 2000 प्लस 600 बराबर 2600 2600। ऑप्शन नंबर आपका बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ रजनी ने एक साड़ी 200 रुपये में खरीदा और उसे 150 में बेच दी, तो उसकी हानि बताइए, 200 रुपये में खरीदा 150 में बेचा, तो हानि कितना हो गया, लॉस हो गया 50, घटा देंगे तो लॉस परसेंटेज में अगर निकालना है तो हमको लॉस 2 0 इसको काटें, 2 0 ऊपर नीचे काट देंगे, 2 से इसको भाग देंगे 50 को, तो 25 हो जाएगा, तो 25%। ऑप्शन नंबर आपका भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर एक साइकिल ने 330 रुपये में बेचा और 10% लाभ होता है, तो साइकिल का लागत मूल्य बताइए, तो यहाँ हम जानते हैं CP बराबर होता है 30 और गुणे CP, हमको निकालना रहने देंगे, 10% का लाभ हुआ तो 110 बटे 100, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे तो यहाँ CP बराबर हो जाएगा 330 गुणे 100 बटे, आपका यहाँ हो जाएगा 110 में 130 से भाग देंगे तो 3 बार जाएगा, बराबर CP आ जाएगा आपका 300, तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही है। लिखा ही इज नॉट टू फाइंड आउट फॉर व्हाट हैज हैपेंड, तो यहाँ पर बी ऑप्शन सही है, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कमला इज फाउंटेन पेन इज श्यामी, तो यहाँ पर होता है एक्सपेंसिव, ऑप्शन नंबर सी सही है, यहाँ एक्सपेंसिव पुट होगा, तो यहाँ पर भरा जाएगा 63 नंबर का क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर सी सही है, इज का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर एट स्टेशन आई विल हियर ए कुली टू कैरी मे लगेज, तो यहाँ पर भरा 64 नंबर का बी ऑप्शन सही, डी का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इट इज द नेसेसरी दैट एवरी वन, यहाँ भरा जाएगा हैव ए हाउस, तो यहाँ शुड का प्रयोग किया गया है, SHOULD शुड का प्रयोग किया गया है,
नेक्स्ट क्वेश्चन, सी इज द मैरिड एंड इंजीनियर, तो यहाँ पर टू का प्रयोग किया गया है, 66 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दैट जॉब इज परफेक्ट हिम, 67 नंबर का, 67 नंबर का ए सही है, यहाँ फार का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट, इट इज द ओल्ड टेलीविजन सेट, तो यहाँ एन का प्रयोग किया जाएगा, एन ओल्ड टेलीफोन, इट इज एन ओल्ड टेलीफोन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सी इज यहाँ देन सीता, तो यहाँ पर हुआ है टेलर का प्रयोग किया गया, ऑप्शन नंबर बी सही है, सी इज टेलर देन सीता। यहाँ अगला चलिए, अब 71 नंबर, रनिंग स्टाफ को वर्गीकृत किया गया है, तो किसमें वर्गीकृत किया गया है, कंटिन्यूअस में प्रयोग किया गया है, ऑप्शन नंबर सी सही है, निरंतर जिसको कह सकते हैं। 72 नंबर का क्वेश्चन, सातवीं पीसी के अनुसार प्रथम श्रेणी पास प्राप्त करने के लिए ग्रेड वेतन की पात्रता मादक कितनी है, ए ऑप्शन सही है, मतलब 6 स्तर 6 से ऊपर होना चाहिए, ऑप्शन नंबर ए सही है। एक अस्थायी अस्थायी रेल सेवक का कैलेंडर वर्ष में कितने दिनों की का हकदार है, 30 दिन, ऑप्शन नंबर ए सही है। इसमें अगला क्वेश्चन, एक कैलेंडर वर्ष में LHAP के कितने दिन एक कर्मचारी को जमा किया जा सकता है, 20 दिन, ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सतत वेतन पर अधिकतम कितने दिनों का अवकाश संचित किया जा सकता है, 300 दिन, 75 नंबर का क्वेश्चन है, 300 दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, आश्रितों को शामिल करने पर विशेषाधिकार पास पर अनुमत व्यक्तियों की अधिकतम संख्या है, 5, ऑप्शन नंबर बी सही है। 600 में एक से अधिक ढलान नहीं होने पर स्टेशन सीमा के बाहर इंजन को अलग करने के लिए लगाए जाने वाले वाहनों के साथ ब्रेक की संख्या कितनी होगी, 6 में 1 से अधिक ढलान अगर नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी सही है, 18। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पैसेंजर ट्रेन चलाते समय ELP यह सुनिश्चित करेगा कि यात्री बोगियां ओवरशूट ना करें, तो प्लेटफार्म से, ऑप्शन नंबर ए सही है। दुर्घटना लोगों पर फेल होने पर OHE आपूर्ति जैसे किसी भी कारण से जब भी किसी ट्रेन को ग्रेडियंट पर रोका जाता है तो विफलताओं आदि को लागू करना आवश्यक और महत्वपूर्ण है, तो A9 SA9 दोनों का प्रयोग करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित मामले में स्टाफ के एक सदस्य से नई घोषणा प्राप्त की जाएगी, जब स्टेशन पर नए शामिल हुए हैं, या लगातार 15 दिन या उससे अधिक की अनुपस्थिति के बाद ड्यूटी फिर से शुरू करते हैं, या SWR में कई बदलाव किए गए हैं, तो ऑप्शन नंबर आपका डी सही है, इनमें से कोई कोई भी हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब ड्रिलिंग और रिलेइंग जब रिलेइंग और रीगार्डनिंग जैसे जब रिलेइंग और डी गार्डनिंग जैसे प्रमुख कार्य प्रगति पर होते हैं, तो डबल लाइन सेक्शन में संलग्न लाइन पर एक गति प्रतिबंध बनाया जाता है, 50 किलोमीटर प्रति घंटा, ऑप्शन नंबर सी सही है। जब एक मोटर ट्रॉली एक ट्रेन का पीछा कर रही है तो उसे माना जाए, 82 नंबर का क्वेश्चन है, उस ट्रेन का आखिरी वाहन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्व प्रणोदित वाहन जो रेलवे ट्रैक पर चल सकता है, RRB क्या है, इसके हमको भी नहीं पता है, इसको इसी को पता होगा तो बताएगा, ऑप्शन में ये भी सही था। तटस्थ खंड लगातार दो के बीच होती है, मतलब द न्यूट्रल सेक्शन लाइन बिटवीन टू कंसेसेटिव, तो ये होता है ब्लॉक सब स्टेशन, ऑप्शन नंबर सी सही है, सब स्टेशन होगा, ऑप्शन नंबर बी सही है। टावर कार की अधिकतम गति कितनी होगी है, ओवर दैट स्टेंसिल क्या है, इसके बारे में नहीं पता है, निर्देश रहता होगा, ऑप्शन नंबर सी बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सावधानी आदेश, सतर्क रहने के लिए विशेष सावधानी, गेट नियमों का पालन करने के लिए सावधानी आदेश, सावधानी आदेश, ऑप्शन नंबर डी सही है।
एक मेल एक्सप्रेस ट्रेन में आगे और पीछे कम से कम एक आफ्टर लोको होगा। 87 नंबर का क्वेश्चन। एंटी टेलीस्कोप या स्टील बॉडी SLR, ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानक सेकंड, मानक थर्ड आर स्टैंडर्ड इंटरलॉक स्टेशन पर मेन लाइन पॉइंट पर ट्रेन के लिए अधिकतम गति अनुमत है 140 के MPH, ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला, मानक फोर्थ आर इंटरलॉक्ड स्टेशन पर ट्रेन के लिए मुख्य लाइन बिंदुओं पर अनुमत अधिकतम गति कितनी है, फोर्थ 160 के MPH, ऑप्शन नंबर सी सही है। मानक फर्स्ट आर इंटरलॉक स्टेशन पर मुख्य लाइन बिंदुओं पर ट्रेन के लिए अधिकतम गति 50 के MPH। हाल ही में जारी स्वच्छ सर्वेक्षण लीग 2020 के परिणामों में किस शहर को सबसे स्वच्छ घोषित किया गया है, इंदौर को, ऑप्शन नंबर सी सही है। राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल अकेदमी किस शहर में स्थापित की जानी है, नागपुर में, ऑप्शन नंबर सी सही है। कौन सा शहर केंद्रीय हिंद महासागर नेतृत्व कार्यशाला की मेजबानी करेगा, 93 नंबर का आपका सी सही है, चेन्नई। किस राज्य ने हाल ही में प्रदूषण से निपटने के लिए ग्रेडिएंट रिस्पॉन्स एक्शन प्लान लॉन्च किया है, 94 नंबर का ए ऑप्शन सही है, पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व एड्स दिवस 2022 की थीम क्या था, बराबर करना, ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तीन भारतीय मूल की महिलाओं को किस देश में सुपर स्टार ऑफ STEMS के रूप में चुना गया, STEM के रूप में चुना गया, 96 नंबर का सी सही है, ऑस्ट्रेलिया। किस भारतीय खिलाड़ी को स्पेन क्राइसिनफो की OLD और T20 ODI और T20 टीमों के कप्तान के रूप में नामित किया गया था, महेंद्र सिंह धोनी को, ऑप्शन नंबर बी सही है। ने हाल ही में खबरों में रहे अंशु मलिक किस खेल से जुड़े हैं, 98 नंबर का सी ऑप्शन सही है, कुश्ती से। भारतीय रेलवे प्रशिक्षण भारतीय रेल प्राधिकरण और किस खेल संघ ने हाल ही में देश भर में 7 स्थानों पर प्रदर्शन केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है, 99 नंबर का बी ऑप्शन सही, हॉकी इंडिया। भारत के संविधान के अनुच्छेद के अनुसार देवनागरी लिपि में हिंदी राजभाषा की राजभाषा था, तो ये है 343A। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस में राजभाषा अधिनियम पारित किया गया था 1963 में, अभ्यावेदन जब हिंदी में बनाया या हस्ताक्षरित किया जाता है तो उत्तर में दिया जाएगा हिंदी में, केंद्र सरकार के कार्यालयों में अनुवाद में एक कर्मचारी द्वारा टिप्पणी की जा सकती है जिसका अनुवाद प्रस्तुत करने की आवश्यकता होगी, हिंदी, ऑप्शन नंबर ए सही है। यदि किसी कर्मचारी को हिंदी का कार्य साधक ज्ञान है तो वह किस हाई डॉक्यूमेंट का अंग्रेजी अनुवाद नहीं मांगेगा, तकनीकी का होगा, ऑप्शन नंबर आपका बी सही है। नियमावली कोड प्रपत्र नोटिस इत्यादि मुद्रित या साइक्लो स्टाइल किए जाएंगे, किसमें, 96 106 का सी ऑप्शन, हिंदी और अंग्रेजी में। प्रपत्र और रजिस्ट्रों पर शीर्षक में होंगे द्विभाषी में, अंग्रेजी और हिंदी। राजभाषा नियमों के अनुपालन की जिम्मेदारी की होगी किसकी, प्रशासनिक प्रमुख और कार्यालय प्रमुख की, ऑप्शन नंबर ए सही। केंद्रीय हिंदी समिति के अध्यक्ष कौन है, तो प्रधानमंत्री। संसद की राजभाषा समिति के लिए समिति सदस्यों की संख्या कितनी है, 30।